डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रैक्शंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आज। फ्रैक्शन किसको हम कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज अ नंबर विच डिनोट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए थिंग। इट इज़ ए नंबर, इट इज़ ए नंबर विच डिनोट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए थिंग, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए थिंग और ए नंबर, और ए नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे पास एक केक है, एक केक है हमारे पास, कितनी केक है? एक है। अब हम इसको पार्ट्स करेंगे, लेकिन क्या पार्ट्स करेंगे? इक्वल पार्ट्स करेंगे। जितना ये होगा इतना ही, उतना ये भी होना चाहिए, उतना ये भी होना चाहिए। इसका मतलब हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? तीन। इसका मतलब ये जो आएगा यहाँ पे 1/3, इसका मतलब हो गया ये इसका क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। एक केक को कितने पार्ट्स में हमने किया है? तीन पार्ट्स में। इसी तरह अगर हमारे पास एक केक है, इसको हमने सपोज चार पार्ट्स में किया है, लेकिन इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। एक केक था, कितने पार्ट्स किए हैं? चार पार्ट्स किए हैं। इसी तरह यहाँ पे एक केक है, इसको हमने पांच पार्ट्स किए, लेकिन इक्वल पार्ट्स किए हैं। क्या किए हैं? इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब एक केक था, कितने पार्ट्स किए? पांच पार्ट्स। इसी तरह हमारे पास एक केक था, इसको हमने दो ही पार्ट्स किए हैं। एक केक था, दो ही पार्ट्स किए हैं, इक्वल पार्ट्स किए हैं। इट इज़ ए नंबर विच डिनोट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए थिंग। ये हमने थिंग पे, अब यहाँ पे सिक्स हमारे पास नंबर है, हमारे पास सपोज हमारे पास क्या, सिक्स हमारे पास नंबर है। इस नंबर को हमने पार्ट्स किए हैं, कितने पार्ट्स किए हैं? पांच पार्ट्स किए हैं। कितने किए हैं? पांच पार्ट्स, लेकिन इक्वल पार्ट्स किए हैं। कितने? पांच पार्ट्स किए हैं। इसका मतलब ये क्या है, सिक्स को हमने पांच पार्ट्स में डिनोट पार्ट, पांच पार्ट्स बनाए हैं इसको। सिक्स को हमने पांच पार्ट टू में बांट दिया है। ये है फ्रैक्शंस, ये है डेफिनेशन किसकी? फ्रैक्शंस की। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सपोज हमारे पास, हमने ये एग्जांपल ली है, एक केक को हमने कितने पार्ट्स किए हैं? तीन पार्ट्स किए हैं। ये कितना है टोटल, कितना केक था? एक ही केक था। ये कितना हिस्सा है? 1/3। ये कितना हिस्सा है? 1/3। ये कितना हिस्सा है? 1/3। टोटल कितना हुआ है? डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, इसका मतलब ये 3 रहेगा डिनोमिनेटर में। अब ऊपर क्या है? 1+1+1। ये कितना हुआ? 1+1 3/3, वो हो गया 1। कितना केक था? एक केक था। यह समझ में? अब इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 5 है। ये हिस्सा कितना है? 1/5 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 है। टोटल कितना हुआ? एक डिनोमिनेटर में क्या है? 5। 1+1+1+1+1 कितना हो गया? 5/5 इज इक्वल टू 1। कितना केक आया? एक ही केक है, लेकिन इसको हमने पार्ट्स में किए हैं। सपोज हमारे पास एक केक है, पांच स्टूडेंट्स में बांटना है, लेकिन इक्वल पार्ट्स बांटने हैं। यही इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। अब इसके टाइप्स, फ्रैक्शन के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे पहला जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन समझने से पहले पहले एक बात याद रखना, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं।
डिफिनेशन नहीं है, ये क्या है, पार्ट्स होते हैं इसको, किसको, फ्रैक्शन को। एक होता है न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट। दूसरा जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट। एक होता है न्यूमरेटर पार्ट, दूसरा होता है डिनोमिनेटर पार्ट। क्या होता है, एक होता है न्यूमरेटर पार्ट, एक होता है डिनोमिनेटर पार्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ये है ऊपर जो है ये है न्यूमरेटर पार्ट 1, डिनोमिनेटर पार्ट है 5। यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट 5 है, यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट 1 है, डिनोमिनेटर पार्ट 2 है। कि फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर पार्ट, दूसरा होता है डिनोमिनेटर पार्ट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं व्हेन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन, लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर कम होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर पार्ट कम होगा किसे, डिनोमिनेटर पार्ट से, उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सपोज हमारे पास ये जो एग्जांपल है 1/5, न्यूमरेटर पार्ट क्या है 1, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 5। लेस छोटा कौन है, न्यूमरेटर पार्ट क्या है, न्यूमरेटर पार्ट लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर पार्ट इज लेस देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल 1/5, 1/5 क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 1/2 जो है, न्यूमरेटर पार्ट 1 है, डिनोमिनेटर पार्ट 2 है, 1 इज लेस देन 2, इसका मतलब 1/2 भी है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 1/3 जो है, 1/3 हमने लिया है, यहाँ पे 1/3 जो है ये क्या है, न्यूमरेटर पार्ट क्या है, लेस देन किससे, डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये जो 6/5 है, 6 इज लेस देन 5 नहीं, 6 लेस देन 5 नहीं है, इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल, दूसरा टाइप क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। हमारे पास एग्जांपल है 6/5, 6 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से, इसका मतलब हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 6/5, फॉर एग्जाम्पल 6/5, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हम लेंगे 5/3, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 17/15, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट जो है वो बड़ा है किसे, डिनोमिनेटर से, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा टाइप जो है